The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे COVID-19 की बीमारियां जो बच्चों में हो सकती हैं, सिवियरिटी, अगर सिवियर बीमारी कोई बच्चों में होती है कोरोना वायरस के वजह से तो वो क्या होगी, क्यों होगी। बच्चों में ज़्यादातर तो बीमारी माइल्ड होती है जिससे कि बच्चों को ही नहीं पता चलता या कई बार माँ बाप को नहीं पता चलता कि बीमारी है। हल्का फुल्का बुखार, हल्का फुल्का खांसी या हल्का फुल्का सर्दी होने के बाद बच्चे खुद ही ठीक हो जाते हैं, बट उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। बात कर रहे हैं ऐसे सिचुएशंस की जब बच्चों को एडमिट करना पड़ जाए और बच्चा सीरियस हो जाए, उसको हम कहते हैं, वो एक सीरियस कंडीशन आ जाती है कभी कभी बच्चों के अंदर जो कोरोना वायरस से लिंक्ड है। ज़्यादातर लोगों में वैसे ये नहीं होता, कुछ ही लोग होते हैं जो जिनके अंदर कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो हमारे जो हमारी इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है साइटोकाइन स्टॉर्म जैसा, वो साइटोकाइन स्टॉर्म जैसा बच्चों में पैदा होने लग जाता है जो कि उनके ऑर्गन्स को और उनकी टिश्यूज़ को डैमेज करने लगता है। यानी बच्चों के हार्ट, बच्चों के लंग्स, बच्चों के ब्लड वेसल्स, किडनी, उनके ब्रेन, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्किन, आईज, सब के सब इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। छोटी सी जान है, छोटा सा बच्चा है और बहुत इन्फ्लेमेशन उनके अंदर हो रहा, इसको हम कहते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। यानी कि मल्टी सिस्टम इन्वॉल्व है, हर एक अलग अलग अलग, एक दो से ज़्यादा सिस्टम अगर इन्वॉल्व हो जाए उसको मल्टी सिस्टम बोलते हैं, दो से ज़्यादा। तो हर एक सिस्टम इन्वॉल्व होगा ज़रूरी नहीं है, मगर दो से ज़्यादा सिस्टम इन्वॉल्व है तो उसे मल्टी सिस्टम कह सकते हैं। और इतने सारे सिस्टम्स हमने गिनाए आपको, और बिकॉज ये बच्चों वाला है इसलिए इसको MIS कहते हैं, मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम, एंड सी इज फॉर चिल्ड्रन। सो MIS-C मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। सिंड्रोम इसलिए कहते हैं कि इसके ये टेक्निकली कोविड से लिंक्ड है पर कोरोना वायरस ने नहीं किया, ये कोरोना के वजह से, कोरोना वायरस आपके शरीर में आने के वजह से आपका शरीर का रिस्पॉन्स करता है। तो इट्स के बहुत शरीर का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है। अब MIS-C को पहचानना कैसा, उसका डायग्नोसिस कैसा, उसका प्रिवेंशन कैसा, उसका ट्रीटमेंट कैसा, यही सारी दारोमदार है। सो उसके डायग्नोसिस के कई क्राइटीरियाज़ हैं और इट इज़ अ सिंड्रोम, तो मतलब उसके कुछ साइन होंगे, कुछ सिम्टम्स होंगे और वो एक डिजीज़ नहीं है, वो सिंड्रोम है, ठीक है। बिकॉज उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, उसके रिस्क, उसके अभी नई बीमारी निकल के आई है, तो जो पता है वो बता रहे हैं, जो पता चलेगा आगे चल के उसको अपडेट किया जाएगा। और बीच बीच में ये पीडियाट्रिशंस के पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन आती रहती है, ठीक है। अब ये चीज़ जो है कुछ यंग एडल्ट्स में भी हो सकती है, बच्चों में है तो इसका मतलब ये नहीं कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेशन एडल्ट्स में नहीं हो सकती, यंग एडल्ट्स में नहीं हो सकती। 14 साल के ऊपर बच्चे नहीं माने जाते, तो 14 साल के ऊपर जो 14 साल का बच्चा उसका क्या, तो 14 साल के बच्चा है उसको हो गया तो यंग एडल्ट, उसको भी हो सकता है, 15 साल में भी हो सकता है, 16 में भी हो सकता है। सो इवन कुछ एडल्ट्स में भी साइन एंड सिम्टम आ सकते हैं जो MIS-C के होते हैं, वो भी कई बार उसको फिर MIS-A कह देते हैं, मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम ए फॉर एडल्ट। सो दैट्स हाउ इट इज़। समझने वाली बात है, डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि पहले तो ये एक रेयर बीमारी है, ज़्यादातर बच्चों में ऐसी होती नहीं है, बहुत ही कम बच्चों में होती। और यहाँ पर ये सिम्टम क्या होते हैं इसके, सिम्टम्स मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम में आपका जो बुखार है, बच्चे को जो बुखार है वो लगातार चलेगा, 24 घंटे से ज़्यादा लगातार चलते जा रहा है बुखार, उतरेगा ही नहीं, उल्टियाँ आती जाएगी, या तो डायरिया होगा या पेट में दर्द होगा, स्किन में रैश होगा, बहुत ज़्यादा दिल की धड़कन बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा अति मात्रा में
थकान होगी, धड़कन के अलावा सांस का रेट, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, और रेडनेस, स्वेलिंग जो लिप्स है वो आ सकती है वहाँ पर। साथ ही बच्चों के हाथ पैर सूज सकते हैं, सर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, लाइट हेडेडनेस हो सकता है, लिम्फ नोड्स बड़े हो सकते हैं, मतलब इन्फ्लामेशन के साइंस आएंगे थ्रू आउट द बॉडी। अगर इन्फ्लामेशन के साइंस है थ्रू आउट द बॉडी देन, और रीसेंट हिस्ट्री है कोविड कॉन्टैक्ट की, रीसेंट हिस्ट्री है कोविड की, तो फिर आपको MISC के तरफ सोचना पड़ेगा। तो मेन सवाल क्या है, आप कब भागें डॉक्टर के पास, आप कब जाएं अस्पताल अगर बच्चे को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, सांस फूल रहा है, अगर बच्चे को पेट में खूब सिवियर दर्द है, अगर बच्चा जो है वो कन्फ्यूज्ड लग रहा है, नया कन्फ्यूजन है, अगर बच्चा उठ ही नहीं पा रहा सोने के बाद, या जागा नहीं रह पा रहा, या अगर बच्चा जो है उसकी जो नेल है, नेल बेड्स हैं, या जो स्किन है वो पेल ग्रे या ब्लू कलर हो रही है, ऐसे सिचुएशन में आपको तुरंत अस्पताल जाना है। इसके अलावा डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर अगर आपके बच्चे को इस प्रकार के साइंस एंड सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर आपके बच्चे के ब्लड टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट और चेस्ट हार्ट एंड एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करेगा। सो उससे क्या होगा, इन्फ्लामेशन कहाँ कहाँ है ये पकड़ में आएगी कि भाई पेट में तो है, हार्ट में भी है, धड़कन बढ़ रही है, रेगुलर रिदम है, ये है वो है, तो मल्टी सिस्टम में इन्फ्लामेशन आ रही है देखी जाएगी। उसके अलावा जैसे मैंने कहा, इसका एग्जैक्ट एक रीज़न नहीं है कि यही बैक्टीरिया, यही वायरस, यही वो, लेकिन ये एसोसिएटेड माना जाता है कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस साइलेंट हुआ उसके बाद में आपको पता ही नहीं चला, या हल्का फुल्का बुखार हुआ कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद बच्चे को ये सिम्टम्स शुरू हो गए, ये टेक्निकली आपके पोस्ट कोविड फेज में इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स बॉडी का खतरनाक तरीके से आ रहा। तो रीसेंट इन्फेक्शन कई लोगों को, बल्कि ज़्यादातर लोगों को ये देखा गया है कि कोविड का रीसेंट इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ लोगों में करंट इन्फेक्शन भी हो सकता है, दैट इज़ सो रिस्क फैक्टर क्या है, रीसेंट इन्फेक्शन ऑफ कोविड और रीसेंट कॉन्टैक्ट और इस तरह के सिम्टम, और आपको देखना होगा बच्चे को सांस फूल रही है या नहीं। ज़्यादातर एज ग्रुप इसमें 3 साल से 12 साल की उम्र के बीच में है, एवरेज मात्रा में 8 साल की उम्र है। कुछ केसेस बड़े बच्चों में भी है, कुछ बहुत ही रेयर केसेस छोटे छोटे बेबीज़ में भी है, सो पॉसिबिलिटी है। प्रॉब्लम अगर ये हो जाता है तो बहुत सारे सिस्टम में इन्फ्लामेशन हो रहा है, एवरी सिस्टम कैन स्टार्ट फेलिंग, हर सिस्टम फेल होगा, सो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। इसका मैनेजमेंट, डायग्नोसिस अप्रोप्रिएट टाइम पे होना, बच्चे को सही पे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं खासकर लंग, हार्ट, किडनी, ब्रेन, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, लंग, हार्ट, किडनी, ब्रेन में प्रॉब्लम, कुछ जान को खतरा आ सकता है, परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस डिजीज़ कि ये सिवियर फॉर्म ले सकती है, प्रॉब्लम कर सकती है। सो इसीलिए जो नीड ऑफ द आवर है कि ये MISC के केसेस जो पहले फर्स्ट वेव में कम थे, सेकंड वेव में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखे जा रहे हैं, थर्ड वेव अगर आती है और बच्चों वाली आती है, या जो मैंने पहले वीडियो बनाया था सिंगापुर वाला जो बच्चों वाला वेरिएंट है B1617 कोरोना का वो है, तो हो सकता है फिर MISC के केसेस जो हैं दुगने तिगने 4 गुना बढ़ जाएँ। इसीलिए पैन इंडिया, पूरे इंडिया में अभी प्रिपरेशंस हो रहे हैं, हर पीडियाट्रिक ICUs, हर हॉस्पिटल्स के बच्चों वाले डिपार्टमेंट को प्रिपेयर करने की कोशिश हो रही है कि उनमें कुछ पार्ट जो है वो MISC के लिए, मैनेजमेंट के लिए डेडिकेटेड हो और उसके प्रोटोकॉल्स बनाए जाएं। ये मुझे कैसे पता है, क्योंकि मेरी वाइफ पीडियाट्रिशियन है तो उनके हो रहे हैं ये सब, तो मुझे पता है, तो ऐसे है। सो ये हो रहा है, बड़े बड़े जो बड़े बड़े जो पीडियाट्रिशियन हैं पूरे इंडिया के, वो मिलके पैनल बना के उसमें इस चीज़ को मैनेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़े लेवल पे आने का खतरा है, तो इस बात को इग्नोर मत करिएगा। प्रिवेंशन आपके हाथ में है, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती जो कि 12 साल या बच्चों को दी जा सके, अभी तक वैक्सीन का अप्रूवल नहीं आया है, जब तक अप्रूवल नहीं आता तब तक प्रिवेंशन आपके हाथों में है।
आपको हाथ धोते रहना है, बीमार के पास जाते हो तो मास्क ज़रूर पहनना है, कम से कम एक मास्क पहनो बट ढंग से पहनो, डबल पहनना है तो डबल पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं है। इसी चक्कर में हमने अपने क्लिनिक बंद करके रखे हैं, सिर्फ ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू नो कि आप अपना इस सारे सिस्टम को समझें, राइट। हमारे लेवल पे, डॉक्टर लेवल पे वहाँ पे प्लानिंग होती है, मगर ये चीज़ें अगर आप लोग साथ नहीं दोगे और वहाँ पे खूंखार तरीके से फैल जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, है ना। सो अवॉइड एनी काइंड ऑफ स्प्रेडिंग हैबिट्स, इवन इफ अगर आपको वैक्सीन लग गई है, डजेंट मैटर कि आप खुला घूम रहे हैं। सो यू हैव टू न्यूज़ चैनल देखिए, लेकिन इसलिए कि कहाँ पे कौन कौन सी वेव्स आ रही हैं, अगर इंडिया के बाहर कहीं पे आ रही हैं और इंडिया के अंदर दिल्ली में कहीं वेव्स आ रही हैं तो उस एरियाज़ में, हाई रेड अलर्ट एरियाज़ में ना जाएं। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है देखो, बट उनका रोल पे अपना कोई बस बस नहीं चलता, वो करें ना करें आपको, हमें तो करना है, ठीक है। सो प्लीज़ अपना सोशल डिस्टेंसिंग करिए। MISC इज़ अ डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस डिजीज़, उसके डायग्नोसिस में लैब टेस्ट होते हैं, आप घर पे डायग्नोस नहीं कर सकते, उसके लिए पीडियाट्रिशियन ही चाहिए, ब्लड एंड यूरिन के टेस्ट होंगे, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स देखे जाएंगे, CRP, D-dimer, IL-6, प्रोकैल्सिटोनिन, फेरिटिन, सीरम फेरिटिन, चेस्ट एक्सरे, इकोकार्डियोग्राफी, ये सब की जाएगी, पेट का अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, और बाकी जैसे जैसे लक्षण हैं उसके हिसाब से, चाहे ब्रेन के लक्षण है तो ब्रेन का MRI, ऐसी चीज़ें अपने अपने पेशेंट के हिसाब से उनके केस में दी जाएगी। टेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो होता है, पहला ट्रीटमेंट है सपोर्टिव ट्रीटमेंट। कई बार ऑक्सीजन एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है, कई बार डिहाइड्रेशन बहुत बड़ा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जब इतना इन्फ्लामेशन होता है बच्चे के अंदर, तुरंत डिहाइड्रेशन, और बच्चा डिहाइड्रेशन नहीं झेल पाता। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ डेथ इज डिहाइड्रेशन। सो फ्लूइड रिससिटेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है बच्चे को, जो घर पे नहीं दे पाते आप, तो वो अस्पताल में ज़रूरी है। इसीलिए बच्चे के केस में अस्पताल में सुविधा होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। कई बार बच्चे को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, कई बार बच्चे को नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे मेडिसिंस की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड थिनर्स की ज़रूरत पड़ती है, स्टेरॉइड्स की ज़रूरत पड़ती है, एंटी यानी IVIG जैसे इम्यूनोग्लोबुलिंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हर केस में अलग अलग होता है, ये पीडियाट्रिशियन डिसाइड करेंगे कि आपके बच्चे को केस में कौन सी दवाई चाहिए, किस हद तक बीमारी फैली है, साइटोकाइन स्टॉर्म हो रहा है या नहीं, तो ऐसी चीज़ें में की जानकारी आपको होनी चाहिए, इसलिए ये बता रहे हैं। लेकिन इसके लिए प्लीज़ अपने आप को प्रिपेयर करिए, दुनिया को इसके लिए सचेत करिए, हो सके तो इस वीडियो को धुआंधार तरीके से शेयर करिए। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। थैंक यू सो मच।